हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। ऑप्शन बी, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना। ऑप्शन सी, व्यापार और आजीविका की तलाश में दूसरे देशों में जाना। ऑप्शन डी, भारत के एक खेत का पौधा दूसरे खेत में स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत के एक खेत का पौधा दूसरे खेत में स्थानांतरित करना, ये वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण का प्रभाव है एक आयामी, दो आयामी, त्रि आयामी, बहुआयामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैश्वीकरण का प्रभाव बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में क्या सही है? ऑप्शन ए, वैश्वीकरण केवल एक राजनीतिक घटना है। ऑप्शन बी, वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक घटना है। ऑप्शन सी, वैश्वीकरण केवल एक सांस्कृतिक घटना है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी घटनाएं शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी घटनाएं वैश्वीकरण में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी, संचार साधन। ऑप्शन सी, खेल। ऑप्शन डी, पूंजी। ऑप्शन सी, खेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में डैश। ऑप्शन ए, वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी, कमी आई है। ऑप्शन सी, उलझ गया है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुराष्ट्रीय निगमों ने सरकारों को कैसे प्रभावित किया है? ऑप्शन ए, सरकारों के अधिकार बढ़ गए हैं। ऑप्शन बी, सरकारों के फैसले करने की क्षमता में कमी आई है। ऑप्शन सी, निर्णय करने की शक्ति छिन गई है। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारों के फैसले करने की क्षमता में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? ऑप्शन ए, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह घट जाता है। ऑप्शन बी, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह घट जाता है। यहाँ पे ऑप्शन रिपीटेड है। ऑप्शन सी, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। ऑप्शन डी, विभिन्न देशों के बीच व्यापार शून्य हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न देशों में संरक्षण नीति क्यों प्रचलित है? ऑप्शन ए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी, अपने औद्योगिक धंधों को बचाने के लिए। ऑप्शन डी, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विभिन्न देशों में संरक्षण की नीति अपने औद्योगिक धंधों को बचाने के लिए प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण के विरुद्ध होने वाले आंदोलनों की क्या मांग है? ऑप्शन ए, वैश्वीकरण को रोका जाए। ऑप्शन बी, उदारीकरण को लागू किया जाए। ऑप्शन सी, वस्तुओं का दाम कम किया जाए। ऑप्शन डी, अमेरिका से सहायता ली जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैश्वीकरण को रोका जाए। क्वेश्चन नंबर 10, मैकडोनाल्डकरण में क्या हो रहा है? ऑप्शन ए, विभिन्न संस्कृतियों ऑप्शन ए, विभिन्न संस्कृतियां अमेरिका का विरोध कर रही है। ऑप्शन बी, विभिन्न संस्कृतियां अब अपने प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढलने लगी है। ऑप्शन सी, संस्कृतियों की सहायता पश्चिमी देश कर रहे हैं। ऑप्शन डी, संस्कृतियों में समृद्धि आ गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विभिन्न संस्कृतियां अब अपने प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे में ढलने लगी है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वैश्वीकरण को क्यों अपनाया गया? ऑप्शन ए, 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए। ऑप्शन बी, आर्थिक समृद्धि ऊंची दर
प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि ऊंची दर प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी दूसरे देशों में निवेश के लिए, ऑप्शन डी वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वामपंथी लोग वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों करते हैं? ऑप्शन ए इससे सभी धनी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इससे सभी गरीब हो जाएंगे, ऑप्शन सी इससे धनी और गरीब अधिक गरीब हो जाएंगे, ऑप्शन डी सभी पूंजीवादी बन जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी इससे सभी धनी और सभी गरीब और अधिक गरीब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिएटल बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1996। राइट आंसर ऑप्शन ए 1999। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट की सुविधा किसकी देन है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड सोशल फोरम का बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003, ऑप्शन डी 2003। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001। WSF की पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 17, WSF की चौथी बैठक कब हुई? 2004, 2005, 2006, 2007। 2004 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, WSF की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? WSF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर ब्राजील में। तो इसका चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। राइट आंसर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19, WSF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन बी वर्ल्ड सोशलिस्ट फोर्स, ऑप्शन सी वर्ल्ड सीक्वेंस फोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए वर्ल्ड सोशल फोरम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी उदारवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।